तो सियासी तापमान गर्म होता जा रहा है। एक तरफ राम टहल चौधरी कांग्रेस का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, पंजे की उंगलियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि रांची लोकसभा में एक बार अपनी डगमगाती चाल को सीधी कर सकें, पिछली बार जमानत भी नहीं बचा पाए थे। दूसरी तरफ रविंदर पांडे सीधे दिल्ली पहुंच गए हैं, गुलाम अहमद मीर के यहां देखे गए, मिले सुबोध कांत सहाय को। जब जानकारी मिली कि सियासी तापमान बढ़ रहा है, राम टहल चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं, सुबोध कांत सहाय भी दिल्ली पहुंच गए हैं। एक तरफ रांची लोकसभा सीट, दूसरी तरफ गिरिडीह का कद्दावर नाम रविंदर पांडे। पहला रुख करते हैं अपने सहयोगी भावना से, भावना के साथ। भावना, चर्चा की शुरुआत आपसे भावना पहले गिरिडीह पर करता हूं, फिर सवाल पूछूंगा आपसे रांची पर। गिरिडीह का बड़ा नाम है रविंदर पांडे, लेकिन गिरिडीह की सीट तो झामुमो के पाले में है, फिर रविंदर पांडे भला कांग्रेस का दामन क्यों थाम रहे हैं, कांग्रेस के घेरे में क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए, फिलहाल जैसे ही अभी बिगुल बजा है, चुनावी शंखनाद हुआ है, झारखंड जो कि जल जंगल जमीन का क्षेत्र कहा जाता है, सरगर्मियां कुछ इस कदर बढ़ गई है कि झारखंड से चलकर अब लोग जो है दिल्ली का रुख कर रहे हैं। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, सेंट्रल मुख्यालय है जहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है। लेकिन उससे पहले एक नजर चाहूंगी कैमरा पर्सन को कि आपको दिखा दे कि यहीं पर गुलाम अहमद मीर बैठे हैं जो कि झारखंड के कांग्रेस प्रभारी है, और बड़ी संख्या में झारखंड के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपनी अपनी दावेदारी को लेकर अपने अपने क्षेत्र से। ऐसे में कई ऐसे नाम है जिनका जो जिक्र है वो कई दिनों से चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो भी तस्वीरें है वो यही है कि झारखंड में भी 14 जो सीटें हैं उसमें जिस तरीके से भी गठबंधन हुआ है तो कई सीटों पर कांग्रेस के भी उम्मीदवारों का नाम अभी सामने आना है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें ये बता रही है कि जो बीजेपी के खेमे के भी बड़े लीडर है वो भी अब कांग्रेस का रुख कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी मैदान का जो है रुख पूरा सज चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है। ऐसे में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को लेकर मंथन जारी है, और इसी मंथन में इसी गंगा में जो है सब डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। राम टहल जो है सुबह यहां पर मौजूद थे कांग्रेस मुख्यालय में, थोड़ी देर पहले देखा गया कि रविंद्र कुमार पांडे जो कि बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता में गिने जाते हैं, जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया उस लोकसभा क्षेत्र का, ऐसे में वो दिल्ली पहुंचे हैं, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, उनको हमने तस्वीरों में कैप्चर किया और थोड़ी देर पहले जो है वो यहां से निकले। और इसी बीच राम टहल भी यहां पर सुबह मौजूद थे, और उसके बाद देखा गया, क्योंकि रांची की हम बात करें तो राम टहल जो है कहीं ना कहीं खबरें ये भी है कि वो वहां से चाह रहे हैं कि उनको मौका मिले, लेकिन इसी बीच सुबोध कांत साय भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और गुलाम अहमद मीर से मुलाकात कर रहे हैं। बंद कमरे में ये मुलाकात हो रही है, इसी मुख्यालय में, इसी जो गेट के सामने अगर आप देखें, मैं चाहूंगी थोड़ा सा कैमरामैन से आगे से आपको दिखाए, यहीं पर जो है मुलाकात का जो समय है वो दिया गया है और ये मुलाकात हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो उम्मीदवारों के जिन नामों का जिक्र हो रहा है उनके भी मन में ये खलबली मची हुई है, यही कारण है कि अब जो तस्वीरें हैं वो आप दिल्ली से साफ देखिए। लेकिन फिलहाल क्योंकि आज जो है अहम बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक है, लगभग 7 लिस्टों के नामों की घोषणा हो चुकी है, 8वीं लिस्ट अभी आना बाकी है, उस नामों पर अभी विचार विमर्श मंथन चल रहा है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि 192 नाम से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है, और अब जिन नामों की घोषणा होना बाकी है उनको लेकर दिल्ली में मंथन तो चल रहा है, लेकिन दिल्ली में मंथन जहां चल रहा है वहीं से उस राज्य के बड़े बड़े नेता भी दिल्ली का रुख कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, उम्मीदवारों में उनका भी नाम शामिल हो इस तरीके से वो भी अपनी पैठ बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फाइलें लेकर पहुंच रहे हैं। अभी जो सवाल मैंने आपसे पूछे थे भावना, वो मैंने गिरिडीह को लेकर पूछे थे। रविंदर पांडे भाजपा के कद्दावर सांसद रहे हैं, करीब करीब 4 बार के 5 बार के सांसद रहे हैं। 2019 में उनका टिकट कटा, आंसू के खेमे में चला गया टी सीट, जिसके बाद चंद्रप्रकाश चौधरी को उम्मीद बनाया गया, गिरिडीह की जनता में खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस के खेमे में दिखाई दे रहे हैं। और वो सीट जो गिरिडीह की है वो झामुमो की सीट है, झामुमो को वहां से उम्मीदवार देना है। क्या INDIA गठबंधन अभी तक सीटों का बंटवारा तय ही नहीं कर पाया, या INDIA गठबंधन अभी पहले प्रत्याशियों को चुनेगा उसके बाद सीटों पर जाएगा? एक तरफ पैसे भी फ्रीज हो गए, कई समस्याएं हैं। ऐसे में क्या लगता है, रविंदर पांडे गिरिडीह से लड़ेंगे या धनबाद से दावेदारी ठोकने के लिए कांग्रेस पहुंच गए हैं? देखिए, अभी तो आप इस बात को समझिए अभिषेक, कि वो मात्र यहाँ पर पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए, यानी कि एक तस्वीर तो साफ है कि अपनी ही पार्टी से नाराज है, यही कारण है कि दिल्ली आते हैं और कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते हैं और झारखंड के कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात करते हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली तौर पर वो भाजपा में शामिल नहीं, जो माफी चाहती हूँ, कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो जिस तरीके से भी आपने सवाल पूछा कि क्या जिस सीट से ऑलरेडी JMM के जो है प्रत्याशी उतरने वाले हैं, तो क्या अगर वो शामिल होते हैं तो उससे उनको क्या बेनिफिट होगा, तो खबरें ये भी अभिषेक कि वो
धनबाद से भी लड़ सकते हैं, इस तरीके की बातें उभर कर जो है सामने आ रही है। लेकिन क्या कांग्रेस पहले अपना ये रुख साफ करेगी? क्या जो भी मुलाकात हुई है उसमें ये बात निकल कर सामने आई है? अभी बहुत सारे सवाल है अभिषेक, जिस पर जवाब जो है क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्या वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो क्या वो जो दावेदारी चाह रहे हैं कांग्रेस उसको देने के लिए तैयार है, या फिर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो पहले ही बूथ, जिला, मंडल, नुक्कड़, कस्बा, गांव ग्राउंड तौर पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस जो है वो उनको मौका देती है? ये भी अभी जो है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखिए ये आपको अधिकतर यहाँ पे जो लीडर्स नजर आएंगे या आपको जल जंगल जमीन के क्षेत्र के यानी कि झारखंड के ही नजर आ रहे होंगे। सुबह राम टहल भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे भी जब हमारे ही सीनियर पत्रकार ने बात की थी उनसे भी जानने की कोशिश की थी कि क्या उन्होंने जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो देखिए जब वो निकलते हुए जा रहे थे तो उस वीडियो में उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। ऐसे में रविंद्र कुमार पांडे को लेकर भी स्पष्ट तौर पर यह कहना कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, इसके बाद वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी रुख साफ करना ये जरूरी है। निश्चित तौर पर पुख्ते तरीके से इस बात को कहने के लिए थोड़ा सा तो इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां एक तरफ बड़े नाम, बड़ा नाम है, बड़ा कद है, वहीं दूसरी तरफ INDIA गठबंधन ने जो अपना रोक कर रखा है, अपनी सीट, अपनी कुर्सी, प्रत्याशियों के नामों के चेहरों की घोषणा जो नहीं हो रही है, वो भी कई तरह के भ्रम फैलाने के लिए काफी है। और कई नए चेहरे अचानक आज दिखने लगे। CEC की अहम बैठक मानी जा रही है, 29 तारीख से पहले चुनाव उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। बने रहिएगा हमारे साथ भावना। आप एक बार रुक करते हैं अमर का, अमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर, सियासी तापमान चरम पर है, सियासी तापमान चरम पर है, और ऐसे में जहां हम राम टहल चौधरी की बात कर रहे थे, सुबोधकांत सहाय भी वहां पहुंच चुके हैं और कई और दावेदार भी अपना ताल ठोकना शुरू कर चुके हैं। अमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि राम टहल चौधरी सुबह में पहुंचे थे, अभी आप रविंदर पांडे जो है प्रभारी से मिलकर के निकले हैं। बिल्कुल साफ है मैसेज, साफ ये है कि राम टहल चौधरी चाहते हैं कि वो रांची से चुनाव लड़े, और रविंदर पांडे की बात मैं कर रहा हूँ कि रविंदर पांडे चाहते हैं, उन्होंने जो हमारे सोर्स का कहना यह है कि वो चाहते हैं कि धनबाद से चुनाव लड़े। बिल्कुल अपने उन्होंने दोनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी मंशा बिल्कुल प्रभारी के सामने साफ कर दिया, ये हमारे सूत्रों का कहना है। अब तय करना है कांग्रेस पार्टी को कि क्या वो धनबाद से चुनाव लड़वा रहे रविंदर पांडे को लड़वाएंगे या फिर रामपाल चौधरी को जो है रांची से लड़वाएंगे। जहां तक सुबोधकांत सहाय जी की बात है, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है से चुनाव आ रहे हैं। सवाल है कि जो किए गए हैं 6 सीटों पर स्क्रीनिंग हो चुका है, आज शाम में जो है CEC होगी जिसमें उम्मीदवार का चयन करना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है जो एक मजबूत उम्मीदवार को चयन करे और चुनाव मैदान में लाए, चाहे वो झारखंड के 7 सीटों पर कांग्रेस में चाह रही है। पहली बात जो समझने की बात है कि जो रविंदर पांडे है उनका सीट और यदि भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2009 में उठा था, उसके बाद जो है वो सीटें आसून गया, उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी का वो दरवाजा खटखटाना शुरू किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि धनबाद से उन्हें चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जो अभी का सिनारियो है, खास करके रामचंद्र चौधरी और रविंदर पांडे का, कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचने का मतलब है कि कहीं ना कहीं 90% वो अस्वस्थ हुए होंगे, बातचीत हुई होगी, तभी जाकर के वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे होंगे। मुझे नहीं लगता है कि बिना बातचीत और बिना कुछ आश्वासन के वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि एक मैं उसके आने के बाद मैसेज बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक में अगर किसी मुख्यालय में आप पहुंचते हैं तो आपका मंशा भी साफ है, क्योंकि 2 कदम आप आगे भी बढ़ेंगे और 2 कदम जो है कांग्रेस पार्टी को भी आगे बढ़ना है। निश्चित तौर पर बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार रुक करते हैं भावना का, भावना जुड़ी हुई हमसे। भावना, लगातार चेहरे बदल रहे हैं, चुनाव से पहले दल बदलने की कवायद तो तेज है ही, तेज हो ही चुकी है, झारखंड में तो खासी राजनीतिक उठापटक देखी जा रही है, लेकिन चेहरे भी लगातार बदल रहे हैं। पहले यशवंत सिन्हा का नाम चल रहा था हजारीबाग से, अचानक चेहरा बदला, JP पटेल भाजपा के सचेतक थे वो निकलकर आ गए, कांग्रेस का हाथ थाम लिया, और अब कहीं ना कहीं JP पटेल आगे आते हुए दिख रहे हैं। अब इसके बाद धनबाद में एक तरफ कुमार गौरव और उन्हीं की अपनी भाभी विधायक अरूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह का नाम आगे चल रहा है, वहां पर ताल ठोकने की बात रविंदर पांडे की आ गई है, यह भी काफी बड़े कद्दावर नेता है। दूसरी तरफ अगर रांची लोकसभा सीट की बात करें तो निश्चित तौर पर सुबोधकांत बड़ी शिकस्त खा चुके हैं, 3 लाख से ज्यादा वोटों से हार चुके हैं, और ऐसे में राम टहल चौधरी पुराने भाजपा के नेता रहे हैं, पुराना कैडर उनका अपना रहा है, निर्दलीय खड़े हुए, जमानत बचानी मुश्किल हो गई, लेकिन अभी रांची लोकसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इन इतने चेहरों की अचानक से जो भरमार लगी है और उतना ही देर हो रही है
INDIA गठबंधन को प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में क्या अपने पास नेताओं का टोटा है INDIA का, जो ये इंतजार कर रहे हैं कि किस दल से टूटकर कौन बाद हमारे साथ आता है उसके बाद घोषणा करेंगे? देखिए, इसको थोड़ा सा व्यंग समझिए। राजेश ठाकुर है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। कुछ दिन पहले जब वो इसी मुख्यालय में पहुंचते हैं तो ऐसे ही झारखंड के कई कार्यकर्ता है जो उन्हें घेर लेते हैं और गहमा गहमी उनसे बातचीत में नजर भी आती है कि कार्यकर्ता जो है नाराज है और वो ये कह रहे हैं कि आप अपने पसंदीदा लोगों को टिकट को देने के लिए प्रेफर ज्यादा करते हैं। इस तरीके की बातें उस वीडियो में हमने देखी। फिलहाल ही में हमने राजेश ठाकुर जी का होली से पहले एक तस्वीर देखी जिसमें उन्होंने कोटेशन लिखी थी। उस पर उन्होंने क्या जिक्र किया था मैं चाहूंगी दर्शक वो भी जाने। उन्होंने कहा कि सब टिकट टिकट की बात कर रहे हैं और मैं टिकट कटा के जो है झारखंड निकल गया हूं। इस तमाम चीजों की जो है राजनीति को आप समझिए कि अंदर से वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि एक सीट है, दावेदार 10 है, जबकि एक सीट पर 3 वैकल्पिक तौर पे दावेदार होने चाहिए और मजबूत दावेदारी के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। लग रहा है कांग्रेस के खेमे में वो कमी पड़ गई है। लेकिन अब वही दूसरा सवाल ये उठता है, गीता कोड़ा जो कि पहले से ही कांग्रेस में थी, सांसद चुनी गई, उन्होंने आखिरी मूवमेंट पे जो है कांग्रेस का दामन छोड़ा, उपहार के तौर पर भाजपा ने जो है उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी एक खेमाबंदी है कि भाजपा से कई बड़े लीडर तोड़कर लेकर आने हैं ताकि ग्राउंड तौर पर उनको जो है तोड़ा जा सके। लेकिन भाजपा कहती है कि बूथ हो, जिला हो, मंडल हो, नुक्कड़ हो, कस्बा हो, गांव हो, पन्ना हो, इस तौर पर हमें काम करना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाजपा जिस रणनीति के तहत काम कर रही है, क्या कांग्रेस भी अपनी बूथ लेवल पर जो मजबूती बढ़ाने की बात कर रही है उस लेवल पर काम कर पाई है? अगर ऐसा है तो आखिर में इतने तमाम नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है और ये तमाम नेता जो है आखिर क्यों लगातार कांग्रेस मुख्यालय का जो है रुख कर रहे हैं? आखिर उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ग्राउंड पर काम किया, जिनकी शिकायतें जो गहमा गहमी अभी हाल ही में देखी गई थी, उनको दावेदारी क्यों नहीं दी जा रही? कहीं ना कहीं भावना थोड़ा सा आपको और ब्रीफ कर दूं कि केवल कार्यकर्ताओं की नाराजगी की आप बात बोल रही हैं। यहां पूरे झारखंड में कांग्रेस के जितने विधायक हैं सभी के सभी प्रदेश अध्यक्ष से और प्रदेश कमिटी से पूरी तरीके से नाराज है। इसका बीच में भी इन लोगों ने बाकायदा पूरा प्रदर्शन किया, दिल्ली तक पहुंच गया, यहां तक कह दिया कि कमिटी अक्षम है, प्रदेश कमिटी, तभी तो दिल्ली जाना पड़ा। जब यहां झारखंड में विधानसभा का विस्तार किया जा रहा था, सरकार का विस्तार हो रहा था, चंपई सोरेन के साथ आने की बात थी। ऐसे में एक तरफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि बिना शर्त जो शामिल होगा उसको हम अपने पार्टी में लेंगे। तो चुनाव के पहले बिना शर्त की का जो शर्त रख रहे हैं कि बिना शर्त आना होगा हमारी पार्टी में, ये कितना प्रैक्टिकल नजर आता है? भावना, आपने जेपी पटेल के साथ तो शर्त नहीं रखी, आपने जेपी पटेल को पार्टी में लेते के साथ ही कहीं ना कहीं भीतर खाने से तो घोषणा आ गई, जबकि यशवंत सिन्हा ने अपना फेसबुक पेज भी बना लिया था, बाकायदा यशवंत सिन्हा का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा था। अभी आप चतरा और पलामू में फंसे हुए हैं और आप ठीकरा फोड़ रहे, आपके पैसे फ्रिज कर लिए गए, आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप कह रहे हैं हम अपाहिज हो चुके हैं, कई चुनौतियां हैं आपके साथ, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। तो झारखंड को तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने डूबती कश्ती बनाने का लगता है कसम खा रखी है इन लोगों ने। देखिए, इस बात को इस तरीके से समझिए कि जब भी पैराशूट लैंडिंग होती है उपहार के तौर पर वो सीट उन्हें मिल जाती है। आप गीता कोड़ा का सबसे बड़ा एग्जांपल लीजिए। भाजपा ने गीता कोड़ा को बीजेपी में शामिल कराया, बदले में टिकट दी और चुनावी मैदान में उतार दिया। अब बात आप करते हैं कांग्रेस को भी टिकट दिया गया, भावना स्थिति जो है सामने देखने के लिए मिली। अभी आपने को जेपी पटेल के बिल्कुल भावना सीता सोरेन को भी टिकट दिया गया, भाजपा ने टिकट दिया सोरेन को जो है दोबारा से जो है उनको एक तरीके से घोषित टिकट थी, घोषित सीट थी, सुनील सोरेन को घोषणा की जा चुकी थी कि सुनील सोरेन लड़ेंगे दुमका से और उनको उनका नाम काटकर बाद में सीता सोरेन को डाला गया। धनबाद में एकदम नया चेहरा ढुल्लू महतो को लाया जा रहा है जबकि कई चेहरे थे पहले से, वहां एक अलग राजनीति रंग ला रही है। चतरा से भी भाजपा ने घोषणा कर दी है अपने कालीचरण सिंह की, लेकिन सीता सोरेन जो आ रहा उसको तो मौका दे ही रहे हैं। भावना अभिषेक, इसीलिए हमने इस बात का जिक्र किया है कि जिस जिस की पैराशूट लैंडिंग हो रही है, यानी कि जिस जिस लीडर की पैराशूट लैंडिंग हो रही है उन्हें टिकट दिया जा रहा है और सीधा चुनावी मैदान में उतार दिया जा रहा है। ऐसे में कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाराज है कि ग्राउंड पर वो लगातार मेहनत करते हैं लेकिन बदले में उन्हें टिकट नहीं दी जाती है। ऐसे में ये सवाल जवाब के लिए आखिर वो किससे गुहार लगाए? यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो झारखंड के इस वक्त आपको कांग्रेस के मुख्यालय में नजर आएंगे। इससे पहले भी एक तस्वीर आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि चंपई सोरेन जी की जब सरकार का दोबारा से जो है गठन होता है, तमाम
सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, राजनीतिक गतिविधियां बदलती है, उसमें से भी कई विधायक है जो दिल्ली का रुख करते हैं, आधे से ज्यादा विधायक रिजॉर्ट में ठहरते हैं, उनको जब हम लोग फॉलो करते हुए नजर आते हैं तो लगभग 24 घंटे तक हमसे ही संपर्क नहीं हो पाता, जब हम उनसे दोबारा संपर्क करते हैं, बात करते हैं तो केसी वेणुगोपाला जी की आवाज पर उनसे मुलाकात होती है, उनसे बातचीत होती है, वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप समझिए कि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो वहीं कांग्रेस खेमे के अंदर भी गुटबाजी, और उस गुटबाजी का असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ रहा है। यही कारण है कि राजेश ठाकुर जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने व्यंग जो किया और वो व्यंग जो है उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया, वो ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर दिल्ली में वो खलबली जो है शुरू हो गई। थोड़ी देर में आलमगीर आलम के साथ जो है राजेश ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचेंगे, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी शामिल होंगे, लेकिन जो फिलहाल तस्वीरें हैं वो भी आप सभी के सामने हैं कि एक सीट है, 10 दावेदार है, 10 दावेदारों के नामों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, उसमें से भी 3 मजबूत दावेदार होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े लीडर है वो इस समय परेशान है कि आखिर किन नामों को आगे किया जाए। आखिरी मोमेंट पे देखा जाता है जेपी पटेल जैसे ही कांग्रेस का दामन थामते उनको जो है टिकट दे दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा ने जिस तरीके से दुमका से सुनील सोरेन को बैक किया और बैक करने के बाद जो है सीता सोरेन को जो है टिकट दिया, जबकि उस सीट पर भी जो है उतार दिया गया सुनील सोरेन को, उसके बाद जो है उस पर दोबारा टिकट की घोषणा होती है, सीता सोरेन को वो मौका मिलता है, तो इनकी पैराशूट लैंडिंग चाहिए भाजपा में। आपकी बात शत प्रतिशत आई है, बने रहिएगा हमारे साथ, एक बार अमर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ बने हुए अमर, अभी हम अपनी सहयोगी भावना से बात कर रहे थे, पैराशूट लैंडिंग की बात कर रही हैं। ये बड़ी बात है कि जिनका भी पैराशूट लैंडिंग हुआ है, बड़े फ्लैट से लैंडिंग किया गया है, चाहे गीता कोड़ा की बात कर लें, सीता सोरेन की बात कर लें, या जेपी पटेल की बात कर लें, ऐसे में जो नए चेहरे सुबह से नजर आना शुरू हुए हैं, रामटहल चौधरी का चेहरा नजर आ रहा है, रविंदर पांडे का चेहरा नजर आ रहा है, लोकसभा चुनाव का गणित कहीं ना कहीं हिलता हुआ नजर आ रहा है झारखंड का। अमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से आपने दो चेहरे आज बड़े भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता जो है यहाँ पे कांग्रेस में मुख्यालय आए, ये एटरेंडम नहीं हो सकता है, ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ और जनता बखूबी जानती है कि एटरेंडम आकर के कांग्रेस मुख्यालय में आकर मिल रहे हैं आप, ये नहीं हो सकता है। और किसी कोई भी आदमी अगर आप कहता है, कोई भी नेता अगर कहता है कि मैं ऐसे मिलने के लिए आया हूं, तो ये इसकी संभावना 0 के बराबर है। आप ये समझने की कोशिश की है कि पहले से इसकी बातचीत हो रही है, चाहे वो आप किसी भी नेता को क्योंकि लेगा, रविंदर पांडे का ये पहली मुलाकात नहीं हो सकती है क्योंकि इसके स्टेट लेवल पर इससे बातचीत हो चुकी है और बातचीत के बाद ही वो आज मुख्यालय यहाँ पहुंचे हैं और प्रभारी से मिलने के लिए पहुंचे। हमारे जो सोर्स है उनका ये भी कहना है ये कई दौर की बातचीत हुई है, चाहे वो रांची में हो या फिर दिल्ली में हो, उसके बाद फाइनलाइज करने के लिए आज जो है रविंदर पांडे यहाँ पे पहुंचे हैं। तो सवाल उठता है कि अगर रविंदर पांडे यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि वो खुद जो है 4 बार के सांसद रह चुके हैं, और ये हमारा सोच ये भी कहता है कि वो धनबाद से चाहते हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार बनाए। रही बात स्क्रीनिंग की, कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग में उन तमाम लोगों से बातचीत किया गया है जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो भारतीय जनता पार्टी से अपने टिकट कट जाने के बाद या फिर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको तरजीह नहीं दे रही है, तो वो सारे लोग कांग्रेस से बात कर रहे हैं क्योंकि एक रास्ता दो ही राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। सवाल ये है कि क्या अमर, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि एक तरफ INDIA गठबंधन देरी कर रही है, दूसरी तरफ मतलब सीटों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में, सीट शेयरिंग की घोषणा में, दूसरी तरफ अगर NDA की बात करें तो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुके हैं और अब अपना ही कुनबा नहीं संभल रहा है, पहले जेपी पटेल कटकर निकल चुके हैं, अब रविंदर पांडे भी निकल चुके हैं, ऐसे में झारखंड की राजनीति में भारी उठापटक के बीच भीतरघात भी जबरदस्त होने जा रहा है, चाहे वो भाजपा की बात करें या वो कांग्रेस की बात करें, दोनों जगहों पर भीतरघात की स्थिति है, क्योंकि बाहरी जो बाहर का चेहरा बोरो प्लेयर को लेकर आज सियासत गर्म है, झारखंड में भी झामुमो ने तंज कसा है कि बीजेपी बोरो प्लेयर के लिए के साथ मैच खेलना चाहती है और बोरो प्लेयर के भरोसे मैच जीतेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, भावना आपका, अमर आपका, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।